गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास, प्रीवियस क्लास आई होप आपको समझ में आई होगी। लेकिन नहीं होगी क्या था, आज हमारा नया चैप्टर है फ्रैक्शन। तो आई होप जो भी मैंने करवाया था प्रीवियस क्लास में आपको समझ में आ गया होगा और आपने वो पूरा होमवर्क कंप्लीट कर दिया होगा। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एक पार्ट को इक्वली डिवाइड करना, एक होल फिगर को या एक चीज़ को किसी को भी इक्वली डिवाइड करना, वो हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। ओके, क्या है कि किसी भी एक चीज़ को हमें इक्वली डिवाइड करना, वो हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 11.2 एक्सरसाइज, जो भी मैं करवाऊँ सिर्फ फिर उसमें आपको उतना ही प्रैक्टिस में करना है। ओके, 11.2 करते हैं। इसमें क्या है, हमें राइट द शेडेड पोर्शन इन फ्रैक्शंस। क्या करना है हमें, शेडेड फ्रैक्शन इसमें करना है। इसको हमें, ये एक फिगर है, इसको हमें किस तरीके से फ्रैक्शन में, इस पोर्शन में क्या क्या है, इसको किस तरीके से लिखेंगे। तो कितने पार्ट्स है टोटल, तो इसका डिनोमिनेटर जो है हमारा 4, और कितने पार्ट्स कलर्ड है इसके 1, तो हमारा फ्रैक्शन इस तरीके से ये आ जाएगा। तो टोटल पार्ट कितने हैं, इसको पहले हम काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसका डिनोमिनेटर क्या हुआ, एक पार्ट को हमने 12 उसमें करा डिवाइड, कितने पार्ट्स कलर्ड है 6। अब ये क्या है, नेक्स्ट इसका फ्रैक्शन पोर्शन क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नीचे टोटल पार्ट कितने हैं 6, कलर्ड पार्ट कितने हैं 5। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है, टोटल पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल पार्ट 10 और कलर्ड पार्ट कितने हैं 7। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। आई होप जितना मैंने ये ऊपर मैंने बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, टोटल पार्ट्स नीचे लिखने डिनोमिनेटर में और कलर्ड पार्ट कितने हैं वो ऊपर आपका न्यूमिनेटर हो जाएगा। तो सारे करने की जरूरत नहीं है, चार मैंने आपको बता दिए हैं चार। उसके बाद जो आपको खुद करना है वो कौन कौन सा करना है, 1, 2, 3, 4, बस ऊपर क्वेश्चन में आपको चार करना है। अब नीचे आते हैं, शो द गिवन फ्रैक्शन इन शेडेड फॉर्म। अभी ऊपर क्या था, शेडेड फॉर्म में था, हमने क्या किया फ्रैक्शन में लिखा। अब नीचे क्या फ्रैक्शन में लिखा, उसको हमें पार्ट को शो करना है फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। जैसा मैंने बताया कि ऊपर जो भी होता है न्यूमिनेटर उतने पार्ट हमें कलर करना होता है, डिनोमिनेटर का मतलब उस फिगर को हमने इतने पार्ट में डिवाइड किया, तो 1/4 है यानी कि एक पार्ट में इसको कलर करना है। 2/5 है मीन्स 2 पार्ट को आपको कलर करना है, अच्छे से करना है, पूरा फिल करना है। ओके, इस तरीके से आपको पूरा फिल करना है। 3rd है 5/6, तो यानी कि कितने पार्ट्स को पूरा टोटल कवर करना है, 5 पार्ट्स को। इस तरीके से अच्छे से आपको कलरफुल बना के करना है। ओके, इसमें भी सारा करने की जरूरत नहीं है, बस जितना 3 मैंने करवा दिया 3 आपको खुद करना है। नेक्स्ट करते हैं 11 पॉइंट पे, आपको दो ही क्वेश्चन करने हैं। अब हम 11.3 पे आते हैं। 11.3 में क्या है, राइट द न्यूमिनेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ये हमारा फ्रैक्शन है, ये क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। फ्रैक्शन हम जो करते हैं किसी भी एक फिगर को पार्ट्स में, इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना, वो हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। तो इसमें हमें क्या करना है, न्यूमिनेटर लिखना है। क्या लिखना है, तो जैसा मैंने भी बताया कि न्यूमिनेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। न्यूमिनेटर क्या है 1, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, ओनली न्यूमिनेटर लिखना है। 6/10 है तो इसका न्यूमिनेटर क्या है 6, 3/4 है इसका न्यूमिनेटर 3, 2/5 है तो इसका न्यूमिनेटर 2, 4/8 है 4, 4/6 4, 1/2 1 न्यूमिनेटर, 2/6 2 इसका न्यूमिनेटर होगा। तो आपको क्या करना है, इसको न्यूमिनेटर लिखना है। अब नेक्स्ट क्या है, राइट द फ्रैक्शन विद, अब क्या है 5 एज न्यूमिनेटर और 10 एज डिनोमिनेटर। इसको हमें फ्रैक्शन में लिखना है, तो 5/10, 3/1 तो इसका 3 जो है न्यूमिनेटर और 1 डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो होता है वो नीचे वाला होता है, न्यूमिनेटर जो होता है वो ऊपर वाला। तो 7/2 1/8 इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5 इसी एक्सरसाइज का। तो जो जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ ओनली आपको वही करना है, सारे पूरा एक्सरसाइज में करने की जरूरत नहीं है, टाइम कम है हमारे पास, इसलिए मैं जो मैन क्वेश्चंस करवा रही हूँ आपको वही करना है। राइट, अभी हमने न्यूमिनेटर वाला पीछे क्वेश्चन किया है, ये वाला, ये न्यूमिनेटर शो करना है। तो आई होप आपको न्यूमिनेटर क्लियर हो गएंगे, ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो ये क्वेश्चन मैं फर्स्ट में आपको बता चुकी हूँ। अब इसमें क्या करना है, राइट द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब इसमें हमें क्या बताना है, हमें हर एक फ्रैक्शन में क्या बताना है, डिनोमिनेटर बताना है। तो डिनोमिनेटर क्या होता है 11, तो आपको ऐसे 11 लिख देना है। इसका डिनोमिनेटर कितना है 17। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो इसमें अभी ये क्वेश्चन में आपको क्या डिनोमिनेटर ही लिखना है, तो आप आई होप लिख लेंगे इसको, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। डिनोमिनेटर नीचे वाला होता तो आपको इस तरीके से ओनली डिनोमिनेटर लिखना है। इसका क्वेश्चन 6 करते हैं,
राइट द फ्रैक्शंस फॉर ईच द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर गिवन बिलो. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसको आपको फ्रैक्शन में लिखना है. तो 4/5 इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 7/8 इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 9/11. ये आपको इस तरीके से छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट करना है. अब 7 क्या है, फाइंड द फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर इज 3 मोर देन न्यूमरेटर. न्यूमरेटर से 3 ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, फाइंड द फ्रैक्शन. तो ये आपको इस तरीके से इसको बस कर लेना है. आप चाहो तो इसको ना भी करेंगे तो भी चलेगा. ये क्वेश्चन 8 करते हैं, कलर द फ्रैक्शन एज इंडिकेट. तो आपका क्या है, टोटल एप्पल 2 है, 3 है और कितने कलर करने हैं, तो आपको 2 एप्पल्स को कलर्ड करना है इस तरीके से पूरे अच्छे से. मेरे पास पेंसिल है बट मैं पेंसिल से ऐसे ही कर रही हूँ, आप कलरफुल इसको कलर से अच्छे से पूरे शेप को फिल करेंगे. अभी क्या है, 4/5 है तो आपको कितने फ्लावर्स को कलर करना है, 4 को. कितने फ्लावर्स को कवर करेंगे, 4 फ्लावर्स को आप कलर करेंगे. 4/7 तो 4 कप्स को करेंगे. मेरे पास पेंसिल है, मैं ऐसे ही टेम्परेरी कर रही हूँ बट आप कलरफुल इसको क्रियोन से करेंगे. 4/7 2/4 मीन्स 2 आइसक्रीम को आपको कलर्ड करना है. ओके तो क्वेश्चन 8 भी आपको कॉपी में करना है. नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं. 11.4 में आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है, ग्रेटर देन एंड लेस देन करना है आपको ईच बॉक्स में. तो ये मैंने कर दिया है 6/4 या 2/7. तो 6/7 की तरफ क्लियर करेंगे इस तरीके से. ये पूरा आपको मैंने किया हुआ है, ये आप कॉपी में कर लेंगे. नेक्स्ट आगे चलते हैं. व्हेन द डिनोमिनेटर आर द सेम, डिनोमिनेटर सेम हो द फ्रैक्शन विद द, तो क्या आएगा यहाँ पे, लार्ज नंबर. लार्ज नंबर इसमें स्मॉलर नंबर इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन. ओके क्वेश्चन 2 और 3 2 का ए बी भी करना है. अब क्वेश्चन 3 करते हैं. राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग क्या, छोटे से बढ़ते क्रम में जाना. तो इसमें सबसे छोटा कौन सा, 1/10, नेक्स्ट 2/10, नेक्स्ट 4/10, नेक्स्ट 7/10. ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया. असेंडिंग ऑर्डर इसमें 1/7, फिर उससे बड़ा 2/7, फिर उससे बड़ा 5/7, 6/7. दो मैंने कर दिए, बाकी के आपको ये आपको होमवर्क में करना है. कुछ नहीं करना, सबसे छोटा लिखना है 1/6, नेक्स्ट 3/6 लाइन से लगाना है, 4/6, 5/6. ये न्यूमरेटर असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, छोटे से हम बढ़ते क्रम में जाते हैं. डिसेंडिंग में क्या होता है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, सबसे बड़ा लिखना है. 7/10, 5/10, 2/10, 1/10. ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया. असेंडिंग में क्या कर रहे थे, हम छोटे से बढ़ते क्रम में जा रहे थे, और डिसेंडिंग में क्या करते हैं, बड़े से हम छोटे में जाते हैं. इसमें क्या है, 9/9, 8/9, 3/9, 1/9. ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया. इसमें आपको कौन कौन से करना है, ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है. जो मैंने करवाया वो भी आपको होमवर्क में करना है. इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, सॉल्व द फॉलोइंग. तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, आप मैं बता रही हूँ आपको कॉपी में. आप ये क्वेश्चन 5 जो है, एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन ए क्या है, 4 का 5/12 - 3/12. तो आपको क्या करना है, दोनों डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन है तो इसलिए हम इसका एलसीएम मिलेंगे. तो नीचे क्या आएगा, 12 5 - 3. तो आप क्या करेंगे, 2 5 में से 3 माइनस किया, 2/12. तो ये आपका इस तरीके से ये फ्रैक्शन सोल्व होगा. इसी का मैं बी एक क्वेश्चन और मैं बता रही हूँ, क्या है, 6/11 - 5/11. 6/11 - 5/11. तो आप कॉमन 11 लेंगे, 6 - 5, तो आप माइनस करेंगे 6 में से 5 माइनस सब्ट्रैक्ट किया आपने, तो 1/11 ये आपका आंसर हो गया. इस तरीके से इस फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करना है. ऐसे 3 - 1 है तो आप क्या करेंगे, 2 - 5 कॉमन लेकर. तो इसमें 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं आपको, और होमवर्क में आपको नीचे की 3 आपको होमवर्क में करना है. आई होप जितना भी मैंने बताया और जो जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ ओनली आपको कॉपी में वही करना है. ओके तो आज की क्लास आपकी यहीं ओवर होती है और ये चैप्टर भी आपका यहीं फिनिश होता है. आई होप जितना भी फ्रैक्शन में मैंने करवाया है और आपको समझ में आया होगा.
ये डाउट्स आपके इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।